नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। ब्लॉगिंग की इस जर्नी में मैंने आपको बहुत सारी चीजें अभी तक समझा दी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारी चीजें मुझे देखकर बहुत अच्छे से करी भी हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से करी है, कुछ लोगों ने नहीं करी है। तो जो कर रहे हैं वो प्रॉफिट में जाएंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनका कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं मैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक क्या होते हैं। आई होप कि आप लोगों को वो बात समझ में आ गई हो। अगर आपको वो बात नहीं समझ में आई होगी तो मैंने आज की वीडियो में डिसाइड करा है कि आप लोगों को कंप्लीट एसईओ की नॉलेज देनी है। मतलब रैंक मैथ में जितनी भी एरर्स शो होती हैं, जितने भी रेड कॉलम्स आते हैं, उनको आज हम लोग फिक्स करना सीखेंगे। और भैया, जिन लोगों को ये लग रहा है कि वो लोग रैंक मैथ के बहुत बड़े धुरंधर हैं, तो वो लोग इस वीडियो को ना देखें, वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। बाकी जिसको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, तो अगर आपको रैंक मैथ की ये नॉलेज चाहिए तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपको इस वीडियो में बने रहना है। देखो, मैं जो बता रहा हूँ अगर वो साथ पे करते चलोगे तो जल्दी आपकी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए फिर अप्लाई करने का टाइम आ जाएगा। अगर अभी आप लापरवाही करते रहोगे तो आगे फिर आपका एडसेंस टाइम से अप्रूव नहीं हो पाएगा। अभी जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, जो लोग रोज आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, मैंने जैसा कि बताया था कि आप लोग वीक में कम से कम 5 आर्टिकल पब्लिश करो अगर आप पर डे एक आर्टिकल नहीं कर पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि मैंने कीवर्ड रिसर्च करना बताया था, तो कीवर्ड रिसर्च करके ही आर्टिकल लिखना, क्योंकि एक आर्टिकल लिखने से बेटर है उसकी अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर लेना। आप वीक में अगर 5 नहीं तो 4 आर्टिकल डालो, लेकिन प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के साथ डालो। तो अभी क्या है, हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर एंटर करनी होती है जिससे ये सारी चीजें फिक्स हो जाती है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो यार लाइक जरूर किया करो और कमेंट किया करो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट के साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो भेजा करो, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं वैसे ही रिप्लाई कर देता हूँ। अभी इस टाइम थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से कई लोगों के रिप्लाई देर में दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ओपन कर लेंगे अपनी वेबसाइट जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर अभी वेबसाइट का WP एडमिन ओपन कर लेना है और WP एडमिन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने का आएगा। मेरा डायरेक्ट लॉगिन हो गया है। तो आपको क्या करना है, अब आपको जो भी पोस्ट आपने जो भी आर्टिकल लिखा है उसका जो चीजें फिक्स करनी है, वहाँ पर हम लोगों को रैंक मैथ जो स्कोर है वो एकदम प्रॉपर तरीके से फिक्स करना है। तो मैं चलो, मैंने आपको एक पुराना आर्टिकल जो मैंने सबसे पहले लिख के बताया था, मैं उसी पे आपको करके बताता हूँ क्योंकि ये आर्टिकल हिंदी में है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग ये जो रैंक मैथ का स्कोर है यहाँ पर देखो 12 दिखा रहा है, आज हम लोग इसको 95 प्लस करेंगे। मोस्टली जितनी एरर्स होती हैं सारी फिक्स करेंगे और इन एरर्स को फिक्स करने का एक फायदा होता है कि आपका आर्टिकल 100% एसईओ फ्रेंडली हो जाता है, तो वो गूगल पे पहले पेज में रैंक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी मैं गूगल पर रैंक 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 करने की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप गूगल में रैंक नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं आएगा। तो अभी मैं डॉलर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ बात हो रही है रैंक करने की। पहले हार्डवर्क करेंगे फिर जाके पैसे कमा के उससे मजे करेंगे। तो इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ हार्डवर्क के बारे में बता रहा हूँ, पैसे के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका अल्टीमेटली गोल होना चाहिए, आपको अपना पैशन फॉलो करना है, पैसे को फॉलो नहीं करना है। आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे पैसा अपने आप आ जाएगा। तो अभी क्या है, हम लोग को इसका स्कोर को 100% करना है। 100% अगर नहीं भी हो पाएगा तो 95 प्लस हो जाता है, तो वेल एंड गुड, बहुत सही रहता है। तो हम लोग को क्या करना है इसको फिक्स करने के लिए, यहाँ पर जहाँ पर 12 लिखा है 12/100 लिखा है रैंक मैथ का स्कोर, यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर क्या चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले स्निप्ट का ऑप्शन आता है, तो आपको क्या करना है एडिट स्निप्ट कर देना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखो एक डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था, जब आप गूगल पर सर्च करते हो तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर ये चीज लिख के आ रही है वो कैसी दिखती है, आप यहाँ मोबाइल पर देखो वो कैसा गूगल में लोग सर्च करते हैं तब कैसा दिखता है, तो आपको वो चीज यहाँ एंटर करनी होती है। और वो चीज यहाँ पर क्या एंटर करनी होती है मैं वो भी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे आपने आर्टिकल लिखा है उस कीवर्ड को कॉपी कर लेना है और यहाँ फोकस कीवर्ड आ रहा है यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। और अब मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप लिख रहे हो तो उस पूरे पैराग्राफ में ये वाला जो कीवर्ड है जो आपने फोकस कीवर्ड में डाला है ये आना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, एडिट स्निप करेंगे और यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करेंगे। ये देखो मैंने इसके बीच में स्पेस दे दिया था, इस स्पेस को खत्म करेंगे और यहाँ से देखो अब इसको
डन करेंगे। अब आप लोग देख लो यहाँ पर स्काई मूवीज HD जो इसका फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गया है और यहाँ पर भी। और आप लोग देखो नीचे कितनी सारी एरर्स फिक्स हो गई हैं। मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा देखो काफी सारी एरर आ गई, और मैं जैसे ही कीवर्ड को यहाँ पेस्ट करूंगा वो एरर फिक्स हो जाएंगी। देखो यहाँ पर 72 के पास जाकर स्कोर हो गया है। आपको देखो क्या है, फोकस कीवर्ड यूज इनसाइड मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने कहा था कीवर्ड आना चाहिए, और ये फोकस कीवर्ड यहाँ पर आपका कीवर्ड आना चाहिए, और 10% आपके कंटेंट में आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, जो कि है। मैंने आपको जैसा बताया कि मोस्टली आपको पैराग्राफ में अपना कीवर्ड यूज करना है, और URL में आपका कीवर्ड होना चाहिए। URL क्या होता है, URL मैं आपको वो समझा देता हूँ। आप जब एडिट स्निपेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को जो ये URL दिख रहा होता है, तो ये URL रैंडम आपका जो आपने टाइटल डाला होता है वही ले लेता है। आप अगर कोई कस्टम URL डालना चाहते हो तो यहाँ पर पूरे टाइटल को कॉपी करके या अपने कस्टम URL को लिख के यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, उससे आपका कस्टम URL लग जाएगा। अब हम लोगों को ये बता रहा है कि हमारा कंटेंट शॉर्ट है, तो अब इस कंटेंट को चलो मैं आप लोगों को बढ़ाता हूँ, फिर देखते हैं ये प्रॉब्लम फिक्स होती है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको एज अ एग्जांपल समझा रहा हूँ, मैं अपना दूसरा कंटेंट जो है उसको कॉपी करके इसमें पेस्ट करूंगा जिससे इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए। तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा। चलो यहाँ पर इसको ऐसा करके एंटर कर देते हैं। अभी भी ये मॉडरेट दे रहा है, बहुत ही ज्यादा नहीं, इसने यहाँ पर अभी एक नंबर का स्कोर बढ़ाया, मतलब इसका कहना है कि अभी इसके बारे में आपको और लिखना चाहिए। चलो मैं इसको दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, ये वाली प्रॉब्लम तो हम लोग फिक्स करके ही मानेंगे आज। अब आप देखिए ये आर्टिकल जब 3000 वर्ड का मैंने कर दिया, जब मैंने इसमें 3000 वर्ड का आर्टिकल, तब यहाँ पर देखिए कंटेंट इज 3068 वर्ड, 3068 वर्ड का लंबा हो गया, तब ये जाके आपको गुड जॉब बता रहा है। तो यहाँ पर आपकी सारी चीज ग्रीन हो गई। आप लोग समझ गए, आपको क्या करना है, कीवर्ड को मेटा डिस्क्रिप्शन में डालना है, कीवर्ड को URL में डालना है, और जो आपका कीवर्ड है उसे आपको अपने टाइटल में भी डालना है, आपको अपने पहले पैराग्राफ में भी डालना है, और आपकी जो इमेज है उसमें भी आप कैप्शन चाहो तो वहां पर लिख सकते हो, जिससे कि ये एकदम यहाँ की सारी दिक्कत एकदम फिक्स हो जाए। ये 72 हो गया। अब हम लोग करते हैं जो अब एडिशनल एरर आ रही है। यहाँ पर क्या आ रहा है, कीवर्ड डेंसिटी इज 0.39 व्हिच इज लो, द फोकस कीवर्ड एंड कंपटीशन अपीयर 12 टाइम। ये कह रहा है कि जिस हिसाब का आर्टिकल का लेंथ है उस हिसाब से हम लोगों ने फोकस कीवर्ड का यूज आर्टिकल में बहुत कम जगह किया है। तो आपको मैं बता दूं कि आप जब कोई भी आर्टिकल लिखोगे तो आप कोशिश करना कि किसी हर एक पैराग्राफ में आपने कीवर्ड का यूज करा हो, बहुत ही ज्यादा नहीं, आप दो पैराग्राफ छोड़ के तीसरे में आपने यूज करा हो, चौथे में यूज करा हो। तो चलो मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें हर जगह आपको कहीं ना कहीं आपको कीवर्ड में यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, फिर देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको क्या कैसे करना है, मैं इसमें कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आपको ये देखिए ये ग्रीन हो जाएगा, आप लोग देखते चलो, यहाँ पर मैं कहीं पर भी कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जब आर्टिकल लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक पैराग्राफ में आपको फोकस कीवर्ड आए, कोशिश करना बहुत जबरदस्ती नहीं घुसेड़ना, ऐसा लिखना कि वो रिक्वायर्ड लगे वहां पर कि इस कीवर्ड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देखिए यहाँ 20 हो गया, यहाँ नंबर बढ़ते ही जाएंगे, और ऐसा करके हम लोग यहाँ पर कीवर्ड को प्लेस कर रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको पता लगे कि कैसे ये ग्रीन होता है या कैसे इसका स्कोर बढ़ता है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर ये 26-27 हो गए हैं कीवर्ड, और ये देखिए आपका अब फाइनली ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पर भी देखिए नंबर बढ़ गया है, 75 हो गया है, हम लोग का नंबर स्कोर जो था वो बढ़ गया है, आप लोग देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये देखिए आपको और चीजें कह रहा है, जैसे लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्स, आउटबाउंड लिंक लगाने को कह रहा है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, वहां से देख लो, नहीं तो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो देख लो, आपको वहां से पता लग जाएगा कि आउटबाउंड लिंक क्या होता है। तो आउटबाउंड लिंक क्या होती है, कि हम लोग की वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाना। तो यहाँ पर मैं आपको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल नेटफ्लिक्स का दिया था या गूगल प्ले का, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, एप्स की कोई वेबसाइट है, आप कोई एप्स के बारे में बताते हैं और बहुत तगड़े तगड़े एप्स देते हैं, उनकी डाउनलोड लिंक देना चाहते हैं, तो किसी भी ऐप की यहाँ से मैं लिंक कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आकर देखो मैं आपको पर्टिकुलर, आप या तो बटन बनाकर कर दो या आप वर्ड पर कर दो, अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आउटबाउंड और इनबाउंड लिंक लगाने को कैसे बताया। अब देखो यहाँ पर आ गया, लग गया, अब इंटरनल लिंक की कह रहा है, ये धीरे धीरे आपको सारे काम बताएगा, और यहाँ आप लोग स्कोर देखते जाओ, पूरा एकदम स्कोर 81 पहुंच गया है। तो अब हम लोगों को इंटरनल लिंकिंग करनी है। इंटरनल लिंकिंग मैं आपको बताता हूँ कहाँ से होती है, यहाँ सेटिंग में जाओ, मैंने आप लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ऐसे करके जब आप लोग करोगे स्क्रॉल टू टेक्स्ट
करोगे तो ये आप लोगों को बताएगा कि कहां पर ये कौन सी इंटरनल लिंक करना है, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ये अगर आपको सीखना इनबाउंड लिंक आउटबाउंड लिंक तो आपको लास्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, पुरानी वीडियो जो है। अब देखिए यहाँ पर सारी प्रॉब्लम एकदम फिक्स हो गई। एक एरर है जो एआई बेस्ड पोस्ट का बता रहा है, तो इस पे हम लोग को ध्यान नहीं देना। मैंने क्या कहा था 86 हो गया, मैं 95 प्लस करके बताऊंगा। रीडेबिलिटी स्कोर आ रहा है, तो अब यहाँ पर आपको जो एक एरर शो कर रहा है, योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर। तो इनका कहना है कि जो आपका आर्टिकल है उसके टाइटल में कोई एक नंबर आना चाहिए, लाइक टॉप 5 हिडन ऐप, टॉप 5 एंड्रॉइड ऐप, टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे करके जो रहते हैं वो आना चाहिए। तो अब हम लोग इस पे कैसे नंबर को यूज कर सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग स्काई मूवीज एचडी वन ऑफ द बेस्ट फ्री मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट। तो हम लोग इसे ऐसे करके लिख सकते हैं और इसको हटा देंगे। तो अभी आप लोग देखो यहाँ पर वो दिक्कत भी खत्म हो गई। यहाँ पर आप लोग देखो 87 स्कोर हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं सारी चीजें एकदम फिक्स करते चल रहा हूँ। और अब आप यहाँ पर देखो कि क्या है, योर कंटेंट कंटेंट्स इमेजेस और वीडियोस। तो हम लोगों ने क्या है कि यहाँ पर एक इमेज यूज करी है, आप अगर इसमें मल्टीपल इमेजेस यूज करोगे तो इसका स्कोर बढ़ जाएगा। चलो मैं ये भी करके दिखाता हूँ कि स्कोर आपको इमेजेस जब आप यूज करते हो तो कैसे आपका स्कोर बढ़ता है। क्या इमेज पे गया, अपलोड पे गया, कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, पब्लिश कर दिया। अभी देख लो ये चीज हो गया, ये ग्रीन हो गया, बिल्कुल 89 आ गया स्कोर, ठीक है। तो समझ रहा हूँ ना मैं जो चीजें आप लोग को समझा रहा हूँ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब बहुत ईजी है, अगर आप ये सारी चीजें एकदम ग्रीन कर देते हो तो आप एकदम बेफिक्र हो जाओगे, आपका आर्टिकल अब पहले पेज पर रैंक करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने सारे काम कर दिए। वो कह रहा आर्टिकल की लेंथ इतनी होनी चाहिए, आपने उतना लेंथ कर दिया, इमेजेस इतनी चाहिए सारी। ये एक ऐसे टूल है जो आपको खुद बताते हैं कि आपको क्या परफॉर्म करना है, कितना अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। यहाँ 89 हो गया। अब हम लोगों को क्या कह रहा है कि यूज टेबल ऑफ कंटेंट टू ब्रेक डाउन योर टेक्स्ट। तो ये हम लोगों से कह रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट यूज करो। तो टेबल ऑफ कंटेंट यूज करने के लिए हम लोगों को एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं प्लगइन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ से अभी 89 पे छोड़ते हैं और अभी चल के पहले वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएंगे हम लोग प्लगइन्स पे और यहाँ इंस्टॉल प्लगइन्स के नीचे ऐड न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पर आकर सर्च करो टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो जो आपको पहला वाला दिख रहा है इजी टेबल ऑफ कंटेंट, तो आप लोगों को यही वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है और इसे एक्टिवेट कर देना है। और यहाँ आप इसके फ्री वर्जन के साथ जाओ और इसमें जो भी चीजें आ रही हैं उनको सबको स्किप करते हुए जाओ और नीचे सेव चेंजेस कर दो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपनी पोस्ट में। अब पोस्ट में आने के बाद आप लोग इसके अंदर आ जाओ। अंदर आओगे तो ये अपने आप एक टेबल क्रिएट करेगा। नहीं करी, गलत बात, टेबल तो क्रिएट करी होगी। देखो यार 90 हो गया पूरा स्कोर, अब 95 पहुंचाना है यार। ये देखो आपको टेबल ऑफ कंटेंट आपकी रेडी है। तो देखो मैंने यहाँ पर जो भी स्कोर करा है वो 92 के पास पहुंच गया है। यहाँ पर सिर्फ एक एरर बची है, बाकी सब ग्रीन है। देख लो आप लोग, बिल्कुल कुछ भी चीजें नहीं छूटी है। यहाँ पर बस एक कंटेंट एआई करके है, ये वाली एरर बस बची है, बाकी सभी एकदम हो गए और 92 हो गया स्कोर। यहाँ पर देखो जब मैंने बहुत सारी इमेजेस को यूज करा, मैंने यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस को लगाया है, अब जाके ये आर्टिकल कुछ इतना ज्यादा स्कोर कर पाया। तो आपको समझ आ गया होगा कि इमेजेस भी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल में हर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी जगह एक बहुत अलग रोल प्ले करती है। ये जो कंटेंट एआई वाली जो प्रॉब्लम थी इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो रेड आइकन दिख रहा है यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपके लॉगिन करने को कहेगा कि आपको अपने गूगल अकाउंट से या कहीं से भी लॉगिन करना है। तो आप लोग यहाँ लॉगिन हो जाओगे। ये फीचर प्रीमियम के लिए है, फ्री यूजर्स के लिए सिर्फ 4 से 5 क्रेडिट मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरे 4 क्रेडिट बचे हैं, मैंने इसको कनेक्ट करा। अब ये मुझे बता रहे कि कंटेंट में मुझे मेरे फोकस कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पर ये कीवर्ड्स भी अगर मैं अपने आर्टिकल में यूज करूंगा तो ज्यादा जल्दी वो गूगल पे रैंक कर जाएंगे। ये जो कंटेंट एआई है इससे ये चीजें आपको पता चलती हैं कि आपको क्या यूज करना चाहिए। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो कि अब आपको हेडिंग्स में क्या यूज करना चाहिए, हेडिंग्स में आपने क्या यूज नहीं करा है, वो चीजें यहाँ पर आपको लिख के आ जाएंगी। एसईओ डिस्क्रिप्शन में आपने क्या चीज मिस कर दी है, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब आप ये सब लॉगिन वॉगिन कर लेंगे तो आपका जो एसईओ स्कोर है, जो रैंक मैथ का स्कोर है, वो 95 के ऊपर हो जाएगा। देखिए 97 हो गया, 100 नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है जब बहुत ही ज्यादा आपने डीप पर जाकर लिखा है, बाकी मुझे नहीं लगता 100% एक्यूरेट कुछ भी होता है। तो यार देखो भैया यहाँ पर पूरा हो गया स्कोर 97 और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं बची जो ग्रीन ना हो। मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पर ग्रीन करके बता दी हैं और जो कंटेंट एआई वाला है वो आपको लॉगिन करके कर लेना है। तो यहाँ से सारी चीजें आप लोग देखो सीख गए हो कि एक परफेक्ट आर्टिकल क्या होता है और कैसे वो गूगल पे रैंक करता है। जब आप अपने आर्टिकल में इतनी सारी चीजें ध्यान में रख के कर रहे हो तो वो आपके पहले पेज
में जरूर रैंक करता है। मैं भी कोई नया नहीं काम करता हूँ, मैंने जब अपना ब्लॉगिंग का करियर स्टार्ट करा था तो मैंने भी ऐसे ही टूल्स को फॉलो करते करते सारी चीजें करी थी। मैं इनको फॉलो करता गया और मैंने इनके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स को लिखा, तब जाके मैं गूगल पे जाके रैंक करने लगा। और फिर जैसे जैसे मेरे आर्टिकल रैंक करते गए, वैसे वैसे मैंने चीजों पे एक्सपीरियंस गेन करा। और फिर वैसे वैसे आपके सर्च कंसोल पे कीवर्ड्स शो करने लगते हैं, जिन कीवर्ड्स पे आपने आर्टिकल नहीं भी लिखा होता है, कई बार उन कीवर्ड्स पर आपका आर्टिकल रैंक कर जाता है, तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा आर्टिकल लिखना चाहिए। ये सारी चीजें भी अभी आपको पता चलेंगी कि कौन से कीवर्ड पे आपको सर्च कंसोल से क्या उठाना है, कहां से क्या उठाना है। लेकिन अभी क्या है, मैं आपको बेसिक से एकदम प्रो पे ले जा रहा हूं। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि रैंक मैथ का स्कोर 97 कैसे करना है, 95 प्लस कैसे करना है। तो ये आप लोग सीख गए हो, तो मतलब आप लोग इतना सीख गए हो कि एक आर्टिकल लिखना सीख गए हो, उसे प्रॉपर SEO करना सीख गए हो, इमेजेस लगाना सीख गए हो, और अभी आप लोग और भी चीजें आगे सीखते जाओगे। अगर आप सोचो कि एक दिन में आप लोग ब्लॉगर बन जाओ तो ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन में आप पैसे कमाने लगो तो ऐसा नहीं हो सकता। और इस चैनल का एक रूल है कि पैसा हार्डवर्क से आएगा, फ्री में नहीं आएगा। मैं मेहनत करता हूँ तो मेरे पास पैसे आते हैं, आप मेहनत करेंगे तो आपके पास भी पैसे आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेहनत करता है उसको पैसे जरूर मिलते हैं और उसकी किस्मत बदल जाती है। मेरी भी किस्मत बदली थी, मेरी मैक्सिमम पेमेंट $15,000 एक महीने की आई थी। तो यार आपकी भी बदल जाएगी, आप भी एक दिन का $3,200 और महीने का $15,000 मेरी तरह कमा पाओगे। तो अभी क्या है, आप लोग मुझे फॉलो करते चलो, मैं जो बता रहा हूँ उसे फॉलो करो और अपने पैशन को फॉलो करो। और अगर अभी तक आप लोग निच नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, तो मैं तो आप लोग हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो नहीं कर पा रहे हो मुझे कमेंट करो, मैं उन पे फिर आपकी क्यों ना वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। और यार आप ब्लॉगर पे भी काम चालू करेंगे तो जो वर्डप्रेस वाले हैं वो काम करते चलो, और इतना जितना बता दिया इसको एकदम करते चलो कंटिन्यू। फिर मैं आगे आपको चीजें और अपडेट करता रहूंगा। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि आप ब्लॉगर के वीडियोस में बनाना चालू कर दूं, अभी वर्डप्रेस ही चल रहा है, अब ब्लॉगर भी आ जाए, क्योंकि ऑडियंस को कहीं ना कहीं ब्लॉगर के बारे में भी जानना है। तो आज की वीडियो में मुझे जो आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया है। आप SEO स्कोर को बहुत ज्यादा माइंड में लेके चलना, रीडेबिलिटी और आपका जो SEO स्कोर रहता है बहुत मैटर करता है, कंटेंट का जो SEO होता है वो मैटर करता है, रीडेबिलिटी बहुत मैटर करती है। छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, कीवर्ड का सही सही जगह यूज करना है जैसा मैंने आपको बताया है, तो ऐसे जाके आपका आर्टिकल गूगल पे पहले पेज पे रैंक करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार आओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से कल। जय हिंद।